हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मदार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि क्या ये इन्वर्टर जो है मोटर चला पाएगा या फिर नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर हम बहुत छोटी बैटरी लगा रहे हैं जो कि बुलेट में पड़ती है, जो रॉयल एनफील्ड बुलेट है उसमें पड़ती है। ठीक है, 250 cc जो बुलेट आ रही है उसमें पड़ती है। देखते हैं ये इन्वर्टर पर लगाने के बाद क्या ये बैटरी जो है मोटर चला पाएगी या नहीं। कौन सी मोटर? 500 वाट से ऊपर की मोटर है। ठीक है, 3-4 मंजिल पर पानी पहुंचा रही है। देखते हैं कि ये बैटरी और ये इन्वर्टर मोटर को चला पाएगा या फिर नहीं, कितनी देर चलाता है, ये सब इस वीडियो में दिखाएंगे हम आपको। और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखेंगे, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करेंगे आज की इस वीडियो में। और फाइनली फ्रेंड्स, पहली बात तो मैं इस इन्वर्टर को बाहर निकाल लेता हूं और इन्वर्टर के बारे में मैं बता दूंगा कि सोलर इन्वर्टर कितने का आता है, ईस्टमैन का जो इन्वर्टर है वो हमें कौन सा मॉडल कितने का पड़ सकता है, इस वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, आपको ये भी पता चलेगा कितने वाट का इन्वर्टर जो है मोटर को अच्छे से चला सकता है या फिर कितनी बड़ी बैटरी मोटर को अच्छे से चला सकती है। जो हमारे घर पर पानी वाली मोटर होती है उसकी बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज प्लीज नीचे लाल कलर का बटन सब्सक्राइब वाला उसको दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने को। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, फाइनली हमने जो है इस इन्वर्टर को बाहर कर लिया है। हम इस इन्वर्टर को इस बाइक की बैटरी पर लगाते हैं जो कि बिल्कुल फुल चार्ज और नई बैटरी है। ठीक है, ये बुलेट की बैटरी है और हम इस पे इन्वर्टर को कसेंगे। उसको कसने के बाद मोटर चलाकर दिखाएंगे, देखते हैं कि ये मोटर जो है हमारे घर की इस इन्वर्टर और इस बैटरी पर चल पाएगी या फिर नहीं चलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, हर बैटरी के साथ इस टाइप के जो है वो नट आते हैं। ठीक है, हर बैटरी के साथ, तो उसको जरूर लगवाएं। ये ओरिजिनल कंपनी के साथ नट होते हैं। अभी हम इसको निकाल लेते हैं बाहर, और इसमें जेली वगैरह भी लगी हुई होती है कंपनी के साथ की। और हर बैटरी में प्लस माइनस का निशान जरूर होता है, जैसे कि इस बैटरी में प्लस का और यहाँ पर माइनस का, तो इसको देख कर लगाएं जिससे आपके इन्वर्टर का फ्यूज ना उड़े और फ्यूज ना खराब हो। और इन्वर्टर में भी प्लस माइनस होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो रेड वाली है वो प्लस है और ब्लैक वाली माइनस है। दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर सब सेटिंग कर ली है। सेटिंग यही करी, इन्वर्टर के तार जो है वो बैटरी में लगा लिए, इन्वर्टर को भी मतलब सब सेटिंग कर दी है। और उसके पीछे एक प्लग लगाया है जो कि हमारे प्लग ये बोर्ड है, यहाँ पर बोर्ड लगा और बोर्ड में तार जो है वो मोटर के लगे और मोटर जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, इसका कनेक्शन इस बोर्ड में है लेकिन हमने अभी यहाँ पर कर रखा है दोस्तों। ठीक है, और अब हम देखते हैं फिलहाल तो, और वीडियो आपको अच्छी लगे फिर भी लाइक करना, बुरी लगे फिर भी लाइक करना दोस्तों। तो फटाफट हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए यहाँ पर हमें एक ऑन का स्विच मिलेगा, इसको हमने ऑन किया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बैटरी इन्वर्टर ऑन है और वहां से करंट वापस जा रहा है और इस बोर्ड में आ रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या मोटर चल पाएगी यहाँ से या नहीं। दोस्तों, हमारा ये मिशन जो है वो अनसक्सेसफुल रहा। क्यों? क्योंकि ये मोटर जो है वो नहीं चल पा रही है, नहीं चल पा रही मतलब बैटरी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, अब इस बैटरी को निकाल कर कार वाली बैटरी लगाते हैं। और कार वाली बैटरी लगाने के बाद देखते हैं कि क्या ये फिर मोटर चला पाएगा या फिर नहीं चला पाएगा। फाइनली ये कंफर्म हो गया कि ज़्यादा छोटी बैटरी होने पर हमारी मोटर नहीं चल पाएगी। ठीक है, हालांकि मैंने सोचा था कि चल जाएगी लेकिन नहीं चल पाई, इसमें ओवरलोड नहीं दिखा रही बल्कि बैटरी डाउन दिखा रही है। हम फाइनली इस पर जो है एक कार वाली बैटरी लगाते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट की डोरो राइड, ये जो है वो 32 AH की बैटरी है और इसको लगाते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। फाइनली दोस्तों, हमारा मिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि हमने इस पे एक 32 AH की लिफास्ट की बैटरी लगाई, प्लस प्लस में लगाया, माइनस माइनस में लगाया, इन्वर्टर को ऑन किया और इन्वर्टर का जो चार्जिंग वाला प्लग वो यहाँ पर है और इन्वर्टर ऑन है। ठीक है, इन्वर्टर जो है वो ऑन है, इन्वर्टर के पीछे प्लग है और प्लग से डायरेक्ट करंट जो है वो इस बोर्ड में जा रहा है और इस बोर्ड से मोटर चल रही है हमारे यहाँ पर। ये तार निकले हुए हैं ग्रीन वाले, अगर हम मोटर को बंद करते हैं तो मोटर को यहाँ से बंद और यहाँ बंद होने हो गई। ठीक है, और फाइनली जब हमने इसको दोबारा रिस्टार्ट किया तो थोड़ी सी इसमें जो है अभी दिक्कत आ रही है, ये आप देख सकते हो। अभी मैं फिर से एक बार रिस्टार्ट करता हूँ, वो वहाँ से बटन खोलो, देख सकते हो आप दोस्तों फिर से ये जो है वो स्टार्ट हो गई मोटर। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसका बटन को ऑफ करते हैं
हमने यहाँ से बंद किया और वहां पर मोटर बंद हो गई। तो ये बिल्कुल सच है, ये सही है, इन बैटरी के ऊपर नहीं होती है मोटर की आपके घर का फ्रिज चलाएगी या मोटर चलाएगी या कुछ भी, मेन चीज होता है इन्वर्टर। अभी मैं आपको और समझाता हूँ दोस्तों, हमारे पास एक ईस्टमैन का 1075 मॉडल है इन्वर्टर है, जिसकी कीमत की बात करूँ तो 5,5500 रुपए के आसपास है। सोलर भी लगेगा इसमें और पैनल की चार्जिंग को, लाइट की चार्जिंग को कम बड़ बोस अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हो। बाइक की बैटरी ये है जो आती है उसमें, रॉयल एनफील्ड जो इस क्लासिक में आती है बुलेट में, उसका अगर प्राइस की बात करूँ तो पुरानी बैटरी देखे 1500 रुपए के आसपास आपको देना पड़ सकते हैं, 1400-1500 रुपए की। और वैसे इसका रेट जो है वो 1700 रुपए है, 4 साल की गारंटी है, SF कंपनी की बैटरी है, SF सोनिक एक्साइड वालों की। और इन्वर्टर की बात करूँ तो मैंने आपको बता ही दिया है। फाइनली फ्रेंड्स, कभी भी अगर आप इन्वर्टर बैटरी खरीदो तो बड़ा इन्वर्टर लेना, हालांकि अगर बैटरी छोटी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको ज्यादा लोड चलाना है तो आपको बड़ा इन्वर्टर लेना होगा, जिससे आपके घर का सारा लोड वो इन्वर्टर उठा सके। अगर इन्वर्टर छोटा होगा और बैटरी बड़ी होगी तो आपके घर का ना फ्रिज चलेगा, ना कूलर चलेगा, ना मोटर चलेगी, कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि इन्वर्टर का जो बैकअप होगा वो कम होगा, मतलब जो उसका लोड उठाने का होगा वो कम होगा। अगर बड़ा इन्वर्टर होगा तो आपके घर का ज्यादा लोड उठाएगा और एकदम किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और चार्जिंग भी फास्ट करेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, अभी आप कमेंट में जाओ और आप लिखो कि आपको किस चीज पर, किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनवानी है। मैं आपको फ्रेंड्स पूरी वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा और आपका नाम भी बताऊंगा आपके चैनल का कि आपने किसने जो है ये कमेंट किया और किसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों चलते हैं किसी और वीडियो के, फ्रेंड्स बाय बाय, गुड बाय।